हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद है दोस्तों आप सब मस्त होंगे और जहां भी होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त एकदम से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पेपर कल हो गया है और अभी मैं सुबह रेडी होकर फिर से प्रयागराज जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि गांव से बाहर निकल आया हूं तो ब्लॉग एक बना लेता हूं, क्योंकि गांव के अंदर में लोग मेरे को बहुत बुरा भला बोलते हैं, कहा करते हैं हमेशा बकबक करता रहता है, पढ़ाई भी नहीं करता है और फोन में पता नहीं क्या करता रहता है, ये है वो है। हालांकि दोस्तों मेरे गाँव में एक यूट्यूबर भी है, टेक्निकल में है, जो कि 1.5 मिलियन के ऊपर उनका सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा महीने में 1.5 लाख से ऊपर का उनका इनकम आता है। फिर भी दोस्तों वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, कहते हैं यूट्यूब पे हमेशा बकबक करता रहता है, वो ऐसा नहीं किया था, वो टेक्निकल है दोस्तों, तो उन्होंने तो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बना लिया, किसी को शायद नहीं जान पाया कि वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन मुझे देखते हैं तो कहते हैं बकबक करता है। फाइनली दोस्तों मैं इसलिए गाँव में नहीं ज्यादा बनाया पाया करता हूँ, दोस्तों के साथ अपने बना लेता हूँ कभी कभी, जो दोस्त मेरे को समझते हैं या जो उनको जानते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे मतलब अर्निंग किया जा सकता है। फाइनली दोस्तों मैं अपना तैयार होकर ये देखिए गाड़ी से आया हूँ और गाड़ी अपने खागर रूम में खड़ा कर दूंगा, प्रयागराज बाई ट्रेन जाऊंगा और ट्रेन से जाऊंगा लेकिन टिकट नहीं कटाऊंगा, तो विदाउट टिकट जाऊंगा, संगम एक्सप्रेस से जाऊंगा। अभी तो फतेहपुर के पीछे है ट्रेन, अभी जाने वाला हूँ तो जल्दी जाता हूँ क्योंकि ट्रेन छूटने ना पाए, क्योंकि छूट जाएगी दोस्तों तो फिर मेरा मतलब जो वहाँ पर जो काम करता हूँ वहाँ लेट पहुँचूंगा, तो वहाँ मुझे मतलब लगाएंगे या कुछ मतलब कुछ बोलेंगे, तो दोस्तों ऐसा शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए अपनी तरफ से। तो फाइनली दोस्तों मैं चलता हूँ और आपको पूरा जाने का प्रयागराज तक का दोस्तों आज पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे कौन से स्टेशन मिलता है मुझे जाने में, तो पूरा आपको मैं डिटेल्स दिखाता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा भाई लोग। तो दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, पहले गियर उतार लेते हैं, किक मारना पड़ेगा यार, स्टार्ट हो गई दोस्तों, चलो गियर डालते हैं। दोस्तों थोड़ा मुझे ये वाला हाथ से क्लच पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रास्ते का दिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि गाड़ी चलाना है तो एक हाथ से पकड़ते बनेगा नहीं। तो दोस्तों अब हम मेन रोड में आ गए हैं, ये देखिए गाड़ी चल रही है हमारी। फाइनली दोस्तों हम जा रहे हैं, ये देखिए बाइक से हैं और जा रहे हैं जल्दी से, खागा आ गए हैं और ये है खागा का फेमस साई होटल, ये देखिए ये साई होटल है दोस्तों, और इधर भी हमारा एक कमरा है, इधर ही हम जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम स्टेशन पे आ चुके हैं, ये देखिए खागा स्टेशन, ये देखिए पीछे देखिए पूरा ये पूरा स्टेशन से और इधर आ गए हैं, एक थंबनेल के लिए फोटो खींचने आए हैं, यहाँ पास खागा निकल रहा है, यहाँ पास थंबनेल के लिए एक फोटो खींच लें, फिर इसके बाद आपको पूरा प्रयागराज जंक्शन तक का पूरा जाने का रास्ता पूरा भी दिखाएंगे, कौन कौन से स्टेशन मिलते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों ट्रेन आ गई है, ये देखिए ट्रेन आ गई दोस्तों, और इसी में बैठ करके अब चले जाएंगे। दोस्तों चिराचू तक काफ़ी बारिश हो रही थी इसलिए मैं आपको सही से दिखा नहीं पाया, तो इस वक्त दोस्तों मैं प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे आ गया हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ और यहीं पास से दोस्तों बैठता हूँ, 1 पर भी मतलब ट्रेन जाती भी है और 2 पर रुकती, 1 में ही आ गया हूँ चढ़ करके, ये देखिए और प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो दोस्तों मैं अच्छे से पहुँच आया हूँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अपने एक दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर कीजिए और एक प्यार से कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।